आज का विषय है वर्ष 2024 में आषाढ़ अमावस्या कब है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध का समय क्या है। दान स्नान से पहले करें या फिर स्नान के बाद करें, इस विषय पर हम बात करते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या होती है। उस दिन सुबह में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसके बाद दान करते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप मिटते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर लोक से पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। आइए जानते हैं इस साल आषाढ़ अमावस्या कब है। आषाढ़ अमावस्या पर स्नान दान का मुहूर्त क्या है। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 5 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 4:57 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 6 जुलाई शनिवार को सुबह 4:26 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व 5 जुलाई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या के दिन आपके लिए स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:48 तक का है। हालांकि सूर्य उदय से तिथि की गणना होती है तो आप उस दिन सूर्योदय सुबह 5:29 के बाद से स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या का दान का मुहूर्त क्या है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान के बाद ही दान करें। उस दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध का समय क्या है। जो आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करना चाहते हैं वे सुबह में स्नान कर लें। उसके बाद ही पितरों के लिए जल से तर्पण, कुछ काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। यदि आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन 11 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों का तर्पण करें। अगर आप इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में ही स्नान के जल में काले तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करते हैं तो आपको घर बैठे उठाए गंगा स्नान जैसा फल मिलेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन घर के मंदिर की साफ सफाई करें और वहां पर दीपक जलाएं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है, इसलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान शंकर की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करें और आरती के साथ पूजा समापन करें। पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण आप अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना के बाद ही करें। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, उसके बाद आप भगवान की पूजा अर्चना करें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का ध्यान करें। आषाढ़ अमावस्या में क्या करें और क्या ना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान पुण्य कई लाख गुना मिलता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष विधान है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीददारी या बिक्री भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी भी निर्धन या जाचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए।
संभव हो सके तो इस दिन तिल के तेल के सेवन का भी परहेज करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।